पहुंच गया। अनीता कहाँ है वो? देखो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज डेट है 9 मार्च 2024 और अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। ब्लॉग काफ़ी लेट शुरू हो रहा है, सौर बार बार जीने की तरफ भाग रहा है और एक दो बार तो ऊपर भी चढ़ गया था। अब दिखाता हूँ यार, हाल चढ़ जाता है थोड़ी देर में ही। पटक दिया। चलो ऊपर चलो, ऊपर तक अभी चढ़ गया था एक बार। चलो पहुंच गया। दोबारा पहुंच गया मम्मी ऊपर। बड़ी खुशी। उतरोगे कैसे? हो तो उतर नहीं पाओगे। उतरने की हिम्मत नहीं हो रही। कैसे दौड़ने में लगा है? थोड़े दिन में सॉक्स उतारने लगेंगे इसके। अभी ठंडा रहता है फर्श। नेक और घर की इस गर्मी बढ़िया है। नीचे नहीं उतर पाएगा, हिम्मत नहीं हो रही उसकी। दोस्तों आज का काम ये है कि आज पूरा दिन लग जाएगा मुझे एडिटिंग में और वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने में, क्योंकि शिवम कंप्यूटर्स वाले चैनल के लिए भी 5-6 वीडियोस रिकॉर्ड करनी है। टॉपिक मेरे पास लिखे रखे हैं, बस उनकी वीडियोस वगैरह बनानी है। उसके बाद कल जो बैक टू जर्नी पे वीडियो लाइव होनी है उसकी भी कुछ एडिटिंग वगैरह, वॉइस ओवर वगैरह करना है उसमें। वैसे तो कुछ पार्ट एडिट कर लिया था लेकिन वॉइस ओवर वगैरह रह गया, उसके बाद कुछ एडिटिंग का पार्ट और बचता है, तो उसको भी कल लाइव होना है सुबह 7:30 बजे। इसके बाद डेली ब्लॉग वाला तो वैसे अभी वीडियो डली हुई है और लर्न टू अर्न वाले पे भी मैंने अपलोड कर दी थी, लगभग 3 वीडियो डली हुई हैं। लेकिन एक दो दिन में, मतलब जब टाइम मिलता है तो उसकी वीडियोस भी कुछ और बनाकर रख दूंगा 3-4, तो मतलब 1-1.5 महीना मेरा निकल जाएगा आराम से। तो आज तो पूरा वीडियो एडिटिंग वगैरह का ही काम है और शाम को हाँ मार्केट भी जाना है, जो बर्थडे पार्टी का डेकोरेशन का सामान लेकर आना है, तो सोच रहा हूँ आज ही ले आऊँ। तो इससे ये अंदाज़ा रहेगा कि भैया क्या क्या सामान और बचता है, तो बाद में वो भी लेके आ जाएंगे। तो मतलब इतना कुछ काम है आज, तो कुछ दिखा पाऊंगा कुछ नहीं दिखा पाऊंगा। जैसे एडिटिंग का बीच बीच में क्या दिखाना, उसमें तो टाइम वेस्ट ही होगा। वैसे मेरा आज का ब्लॉग बनाने कुछ ज़्यादा खास मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा बना ही लेता हूँ। जब इसने एक अचीवमेंट पार कर दिया, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने वाला इसका अचीवमेंट कम्प्लीट हो गया, तो मैंने सोचा इसका भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो याद तो रहेगा बाद में। आ जाओ जल्दी। आया अपने ही घर है ये। वो बाहर खड़ा खड़ा इधर उधर देख रहा है कहाँ आ गए जो। अपने आप चल रहा है, अपने कचरे डिटर्जेंट नहीं करो। नीचे से चढ़ते हुए चला गया। दोस्तों आज सर सबसे पहली बार अपने आप चल के ऊपर आया है रंगते हुए, पूरे चक्कर काटने लगा आज। ये अपना जिम वाला रूम है, अभी खाली डला हुआ है पूरा, इसी में डेकोरेशन का काम होगा पूरा। सोच रहे हैं यहाँ पर एक ट्यूबलाइट वगैरह भी लगाएंगे ताकि थोड़ा रोशनी हो जाए इस रूम में, बल्कि की वजह ज़्यादा रोशनी नहीं हो पाती है और आवाज़ भी गूंज रही है। कुछ पर्दे वगैरह भी यहाँ पर लटकाने पड़ेंगे। ये जिम वाला जो सामान है वो तो ऐसे ही रहेगा। हाँ जी, बेंचें वगैरह और जो वेट वेट रखे हुए हैं यहाँ पर, इनको हटाकर दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे। और खाने का प्रोग्राम शायद इधर कहीं होगा। कितना खुशी है, बार बार आ जाता है। नीचे जा रहे हम, आ जाओगे या नहीं आ पाओगे? नहीं नहीं ऐसे 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 नहीं। कहाँ जा रहा है? इधर से उतर। ये इसकी ट्रेनिंग हो रही है उतरने की। समझ में आया कैसे उतरना है इसे? एक पैर फिसल जाएंगे इसके सॉक्स की वजह से, फिसल रहे हैं। सॉक्स नहीं होते तो ग्रिप अच्छी मिल जाती। आया 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 जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ।
चढ़ने में मेहनत नहीं लगती, हाँ उतरने में लग रही है मेहनत। फिर नहीं 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 आओ, अयो ए ए आ जाओ चलो अब इधर। दोस्तों मैंने 5-6 वीडियो तो लगभग बना लिए शिवम कंप्यूटर्स वाले चैनल के लिए, अभी कुछ वीडियोस और शूट करनी थी। सौर उस टाइम तो उदम कर रहा था और बार बार कमरे में आने के लिए जिद कर रहा था, लेकिन उर्वशी उसको बगल वाले कमरे में ले गई, थोड़ी देर में सो गया। ऐसे सो रहा है, लिपटा हुआ, सो ही नहीं रहा था, जबरदस्ती सो रहा है। तो जब तक ये सो रहा है तब तक मैं भी फटाफट से अपनी वीडियोस वगैरह शूट कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। और उर्वशी अभी आई थी, वो उठ के आ गई, वो अभी सो ही रहा है। तो इधर पर जो कंबल रखा हुआ था एक, उसके बगल में रख दे रहे हैं ताकि इसको पता ना चले कि उर्वशी है कोई और है, इसको लगेगा कोई सो रहा है, तब तक ये अपना काम निपटा लेंगी। दोस्तों 4:30 बज रहे हैं और मैंने कुछ वीडियोस और शूट कर ली, और घर पे जो तैयारी चल रही है सौर के जन्मदिन की, उसके लिए मुझे इनको छत पे डाल के आना है। और वैसे अभी गरी वगैरह काट रही थी, मम्मी भी लगी हैं तैयारी में ही, जो कथा वगैरह होगी उसमें कुछ झंडे वगैरह लगाने पड़ते हैं वो ही बना रही हैं। तो मैं इनको धूप में डाल जाता हूँ, मैंने खाना भी नहीं खाया। इसके बाद 6 वीडियोस और बनानी है शिवम कंप्यूटर्स वाले चैनल के लिए, टाइम मिलेगा तो आज ही बनाएंगे, नहीं तो फिर बाद में बनाऊंगा। और सौर जिद कर रहा है बाहर जाने की, उस टाइम सो गया था, यहाँ पर सुला दिया था उसे, लेकिन जैसे ही मैं वीडियोस बनाकर बाहर निकला देखा वो बैठा बैठा रो रहा है, बाहर ले आए देखो कैसे कर रहा है, कहाँ घूमोगे आज तो 2 बार जीना पे चढ़ गया ऊपर अपने आप ही, नीचे से पूरे घर में ऊपर घूम ही आया। पापड़ खा रहा है ये, पापड़ गोभी है। तो दोस्तों घड़ी में 10:45 हो रहे हैं, और कुछ टाइम पहले सौर सो गया था लगभग 9:30 के आसपास, मुझे उतारनी थी इसकी नज़र, लेकिन ये सो गया था। फिर मैंने सोचा कि अब कल उतरेगा, मतलब अब नज़र उतारने का प्रोग्राम कल रखेंगे, लेकिन फिर ये पता नहीं कैसे अपने आप ही जग गया आधा एक घंटे सोने के बाद, और अभी ये खेल रहा है, ये देखो ये घूम रहा है पूरे में। तो जब ये जग गया तो सोच रहे हैं अभी इसकी नज़र उतार देते हैं, तो पानी वगैरह अभी 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 लेंगे 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 यहीं पर बैठा लेते हैं इसे लेने के लिए कर रहा, ले लो पकड़ना इसे, नहीं झपेटा मार दे। तो ये नज़र उतर चुकी सौर की, अगर नज़र लगी हुई और आग नीचे गिरेगी तो ये अपने आप काला काला सा हो जाता है। अब दोस्तों ये वापस से भागने और कूदने लगा चारों तरफ, उतर गई नज़र, हमने तो लाइट रहा था, गोद से नहीं उतर रहा था, हमने लाइट भी बंद कर दी इसीलिए। देखो सो जाए जल्दी ये वापस, लेकिन अब मुश्किल है सोए। और मच्छर भी दोस्तों आजकल ज़्यादा हो रहे हैं, पैकेट से भी हटाते हैं फिर भी काटते हैं, गुड नाइट वगैरह भी लगा देते हैं, लेकिन रात में ज़्यादा देर गुड नाइट अपन जला के नहीं रखते, अभी लगा दिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन रात में बंद कर देते हैं सौर की वजह से। तो पंखा भी अपन ने चला दिया आज ताकि मच्छर वगैरह ना काटें, और सौर को स्वेटर भी पहना दिया, अभी टोपा भी लगा देंगे ताकि इसको ठंड भी ना लगे रात में, क्योंकि ये कंबल के अंदर बहुत ही कम सोता है, निकल जाता है, कभी कंबल के ऊपर सोता मिलेगा, कभी उल्टा सोता मिलेगा यहाँ पर रात में। अभी दोस्तों जो टोपा हमने लोगों ने लगाया था उसकी वजह से इसकी आंखें बंद हो जाती हैं बार बार, तो ये चिल्ला रहा था तो उतार दिया वापस ये वाला टोपा। अब हैंकी वगैरह कुछ बांध देंगे, ऊन वाला बांधेंगे तो दिक्कत होगी इसको रात में, तो ऊन वाला भी नहीं बांध सकते, काटने लगता है बार बार आके मुझे ही काटेगा। अंदर तक काट लिया पूरा। नहीं 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 लग गई, चोट लग गई आपको, तेज काट लिया आपको। अभी ऐसे ऐसे करके पंखा पकड़ने की कोशिश कर रहा था ऊपर लेटा लेटा, और 12 बज गए यहाँ पर तक नहीं सोया, पता नहीं कब सोएगा। दोस्तों 1:10 हो रहे हैं और मैं एडिटिंग वगैरह में अभी लगा हुआ था,
लेकिन अब आलस आने लगा तो सोच रहा हूँ सो जाता हूँ, सुबह करूँगा। वैसे भी कल की मतलब जितने भी चैनलों पर वीडियो लाइव होनी है उन सब की एडिट करके अपलोड कर दी गई है और टाइम भी लगा दिया, मतलब शेड्यूल में अपने आप ही लाइव हो जाएगी। भैया अब इस वाले ब्लॉग को कर रहा हूँ यहीं पर ख़त्म, नींद काफ़ी आ रही है, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।